आज हम पढ़ेंगे क्लास वन की सोशल साइंस का चैप्टर टू, जिसका हेडिंग है अर्ली ह्यूमन, यानी कि आदि मानव। हु डू यू थिंक दिस पीपल आर? यह जो बगल में फोटो दी गई है दो लोगों की, जो कि कुछ जानवरों को लेके जा रहे हैं, यह लोग कौन है? यह आदि मानव है। कौन है? यह आदि मानव है। यहाँ पे एक लड़के की और एक लड़की की फोटो दी गई है। लड़का बोल रहा है कि यह आदि मानव कौन होते हैं? क्या यह आदि मानव हमारे जैसे लोग होते हैं? तो ये लड़की उत्तर दे रही है कि आदि मानव आज से कई सौ साल पहले रहा करते थे, और वह एक साधारण सी जीवन जिया करती थे। वह हमारे जैसे नहीं हुआ करते थे, और जो लोग बहुत सौ साल पहले रहा करते थे वह आदि मानव कहलाते हैं। हमने आदि मानव की फोटो को देखा। अब हम कुछ सवालों के जवाब हाँ या ना में देंगे। आर दे वियरिंग क्लॉथ्स लाइक अस? क्या वह हमारे जैसे कपड़े पहने हुए थे? नहीं, वह हमारे जैसे कपड़े नहीं पहने हुए थे। क्यों? क्योंकि वह पेड़ की छाल या फिर जानवरों के स्किन पहने हुए रहते हैं। क्या पहने हुए रहते हैं? पेड़ की छाल या फिर जानवरों की त्वचा। डू यू थिंक दे आर वियरिंग क्लॉथ्स मेड ऑफ क्लॉथ? क्या आपको लगता है कि वह कपड़े वो पहने हुए होते हैं जो कि कपड़ों के बने हुए होते हैं? यानी कि हमारे कपड़े कैसे होते हैं? रुई के बने हुए, रेशम के बने हुए, ये सब के बने हुए कपड़े पहने होते हैं? नहीं, हमने अभी क्या पढ़ा? किसके कपड़े पहने हुए होते हैं? जानवरों के त्वचा के कपड़े या फिर पेड़ की छाल के कपड़े? तो दोनों का जवाब क्या होगा? दोनों का जवाब होगा नो। और हमने आंसर भी जान लिया क्यों नो होगा। लॉन्ग लॉन्ग एगो द अर्ली मैन डिड नॉट लिव लाइक अस। बहुत बहुत साल पहले जो आदि मानव थे वो हमारे जैसा जीवन नहीं जिया करते थे। ही लिव्ड इन केव्स और फॉरेस्ट लाइक वाइल्ड एनिमल्स। वह कहाँ रहते थे? वह गुफा में रहते थे या फिर जंगल में रहते थे, जैसे कि जंगली जानवर रहा करते हैं। ही एट वाइल्ड फ्रूट्स, रूट्स एंड बेरीज। क्या खाते थे? जंगली फल, पेड़ के जड़ और बेरी खाया करते थे। ही किल्ड वाइल्ड एनिमल्स एंड एट दियर फ्लैश रॉ। वह जंगली जानवर को मार करके उनका कच्चा मांस खा जाते थे। द पीपल इन दोज डेज डिड नॉट हैव क्लॉथ्स टू बियर और हाउसेस टू लिव इन। उस समय पे आदि मानव के पास ना तो पहनने के लिए कपड़े होते थे और ना ही रहने के लिए घर हुआ करता था। ही यूज लीव्स, बार्क ऑफ ट्रीज एंड स्किन्स ऑफ एनिमल्स टू कवर हिज बॉडी। तो वह अपने शरीर को कैसे ढकते थे? वह अपने शरीर को पत्तों से ढकते थे, पेड़ की छाल से ढकते थे और जानवरों के खाल से ढकते थे। द अर्ली मैन मेड टूल्स फ्रॉम बोन्स एंड स्टोन्स फॉर किलिंग वाइल्ड एनिमल्स। जो आदि मानव थे वह हथियार बनाते थे। किससे हथियार बनाते थे? जानवरों की हड्डियों से और पत्थरों से हथियार बनाते थे, ताकि जंगली जानवरों को मार सके। ही ऑल्सो यूज दिस टूल्स टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। साथ ही साथ इन हथियारों की मदद से वह अपने आप को उन जंगली जानवरों से बचाते थे। यहाँ पे आप फोटो देखिए, बगल में यहाँ पे बहुत सारे लोग मिलकर के हथियार बना रहे हैं पत्थरों से। As time passed, the early man become wiser। जैसे जैसे समय गुजरा जो आदि मानव थे वह बुद्धिमान होते गए। Gradually he learned to make fire by rubbing two stones together। धीरे धीरे उन्होंने आग बनाना सीख लिया। कैसे सीख लिया? दो पत्थरों को साथ में रगड़ करके आग बनाना सीख लिया। ही यूज्ड फायर टू कुक हिज फूड। और आग की मदद से वह अपने खाने को पकाते थे। ही फाउंड दैट कुक्ड फूड वाज मोर टेस्टी देन रॉ फूड। और उन्होंने ऐसा पाया कि जो पका हुआ खाना होता था वह कच्चे से ज्यादा स्वादिष्ट होता था।
ही ऑल्सो यूज्ड फायर फॉर अदर पर्पसेस, साथ ही साथ उन्होंने आग का इस्तेमाल दूसरे काम के लिए भी किया, जैसे कि और किन किन कामों के लिए आग का इस्तेमाल करते हैं? रोशनी के लिए, रूम को गर्म रखने के लिए, इस तरह आग का इस्तेमाल किया। जैसे कि हम फोटो में देखेंगे, सबसे पहले फोटो में कुछ लोग मिलकर के कच्चा मांस खा रहे हैं, जानवरों को मारते थे और उसका कच्चा मांस खाते थे। दूसरे फोटो में कैसे दो पत्थरों को रगड़ करके क्या उत्पन्न कर रहे हैं? आग उत्पन्न कर रहे हैं। और तीसरे फोटो में जब आग उत्पन्न हो गया था तो जानवर को पका रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका मांस, जानवर का मांस जो है वह और स्वादिष्ट हो सके। एज टाइम पास्ट, अर्ली मैन मेड प्रोग्रेस, जैसे जैसे समय बीता आदि मानव ने काफी तरक्की कर ली। ही स्टार्टेड ग्रोइंग क्रॉप्स, और आदि मानव ने अनाज उगाना शुरू कर दिया। ही टेम्ड एनिमल्स लाइक काऊ, गोट, हॉर्स, शीप एंड डॉग, और साथ ही साथ जानवरों को पालना भी शुरू कर दिया। जैसे कौन कौन से जानवरों को? गाय को, बकरी को, घोड़े को, भेड़ को और कुत्ते को पालना शुरू कर दिया। इट इज कंसीडर्ड दैट अर्ली मैन फर्स्ट टेम्ड डॉग, ऐसा बोला जाता है कि सबसे पहले आदि मानव ने किसको पाला? कुत्ते को पाला। इट हेल्प्ड हिम इन हंटिंग एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स, जानवर उन्हें शिकार करने में और जंगली जानवरों दोनों से बचाने में मदद करते थे। ही यूज्ड देम फॉर वर्क एंड फूड, आदि मानव उनका इस्तेमाल खेती में काम करने में और खाने के रूप में दोनों में किया करते थे। द अर्ली मैन लर्न्ड फार्मिंग, धीरे धीरे आदि मानव ने खेती करना सीखा। ये स्टार्टेड ग्रोइंग क्रॉप्स इन दी फील्ड, और उन्होंने अपने खेतों में अनाज उगाने शुरू कर दिए। मेनी ऑफ देम स्टार्टेड लिविंग टुगेदर, बहुत सारे लोग एक साथ रहना शुरू कर दिए, एक ही जगह पे रहना शुरू कर दिए। दस सेटलमेंट केम अप सून इन एग्जिस्टेंस, सेटलमेंट आ गया, यानी कि लोगों का घर, लोगों का बसेरा एक जगह अस्थिर हो गया, यानी बहुत सारे लोग एक जगह आकर के बस गए। यर्ली मैन मेड हिज फर्स्ट व्हील, आदि मानव ने अपना पहला पहिया बनाया। व्हील चेंज्ड यर्ली ह्यूमंस लाइफ, और इस पहिए ने आदि मानव का जीवन पूरी तरह बदल दिया। ही कुड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इजली, पहिए की मदद से कैसे गाड़ी बन गया? आप बगल में फिगर देखिए, पहिए गाड़ी में लग गए और एक पूरा गाड़ी बन गया। इस गाड़ी की मदद से वह कहीं भी जा सकते थे। ही कुड कैरी लोड्स, और उनका जो भी सामान था वह एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते थे। ही कुड यूज कार्ट्स ड्रॉन बाई एनिमल्स, और इस गाड़ी के आगे वह जानवरों को लगा सकते थे, जैसे कि आगे दो जानवर लगे हुए हैं और पीछे पहिए वाली गाड़ी है और उस पे वह कोई भी सामान एक जगह से दूसरे जगह लेकर जा सकते थे।